मोनी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हें उस फरिया चुड़ैल और हम्माद भाई को साथ देखकर कोई जेलसी वेलसी फील नहीं होती। जेलसी? सारा मुझे एक बात बताओ, भला इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? देखो ना, जब मेरे दिल में हम्माद के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो फरिया के साथ हो या फिर उस पाकरा के साथ। वाओ, मिसाल तो तुमने बहुत खूब दी है। ऐसे तो पता है, अब मैं ना काफ़ी बोर हो गई हूँ इधर। आई कैन नॉट वेट टू गो बैक टू लंदन। और मेरी ना तुमसे भी यही एडवाइस होगी कि तुम फवाद से शादी का ख्याल अब अपने दिल से निकाल दो और मेरे साथ वापस चलो। लेकिन यार, अभी लंदन वाला बिजनेस हमारे नाम कब हुआ है? जब तक वो नहीं होता तो हमें ऑब्वियसली यहीं रुकना पड़ेगा। सारा, तुम लंदन वाले बिजनेस की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। बस तुम ऐसे समझो कि वो बिजनेस हमारा ही है। क्या मतलब? क्या वो बिजनेस आंटी के नाम नहीं है क्या? है तो आंटी के ही नाम, लेकिन आंटी को मार्केट में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हमेशा से मेरी मॉम लुक आफ्टर कर रही है बिजनेस का। सो शी इज द वन हु इज नोन इन द मार्केट। इसलिए बस तुम ये समझो कि हम कभी भी बिजनेस अपने नाम कर सकते हैं। वाओ, दैट्स वेरी ग्रेट। और तुम्हें एक और बात पता है, अपनी बीमारी के दिनों में बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे मॉम के नाम बनवा दी थी, तो तुम समझो हमारा काम और भी आसान हो गया। जबरदस्त। आई थिंक अब सब कुछ हमारा ही तो है। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे बहुत जल्द कुछ फैसला ले लेना चाहिए। जल्दी? लेकिन सोच समझ के, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब क्या सोचना और क्या समझना मोनी, हमने इतनी अकल से जो काम लिया है तो हमारी किस्मत के बंद दरवाजे भी यूँ खुलते चले गए। हाँ, दरवाजे तो खुल चुके हैं। अच्छा, अब मुझे खाने दो, आई एम रियली हंग्री। उफ खुदाया, बहुत मजा आया कसम से, क्या बताऊं। हाय, लेकिन जितना कुछ खाया उससे मेरा पेट नहीं भरा, सच बता रही हूँ। आयजा, अरे ओ आयजा, कम वक्त मारी कहाँ मर गई है जो आई नहीं रही अभी तक। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? सुनाई नहीं दे रहा, इतनी ऊंची ऊंची आवाजें दे रही हूँ। तुम्हारा नाम ही है ना आयजा बिगुल बजा के। चल जा, जाके खाना लगा दे, तेरे मियाँ ने तो कुछ खिलाया नहीं मुझे। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं बनाया। क्या क्या क्या, सारा दिन घर में बैठी सिर्फ बिस्तर तोड़ती रहती हो, काम वाम कोई नहीं होता तुमसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओफो, महारानी की तबीयत हर वक्त ठीक नहीं रहती। देखो तुम एक काम करो, अस्पताल में ना एक कमरा ले लो, सारा दिन और सारी रात ना बस वहीं पे रेस्ट करती रहना, ठीक है ना? तुम्हारी तो तबीयत कभी ठीक होती नहीं है। अरे शर्म हया कर ले, मेरी ना सही सास की फिक्र ना सही, कम से कम अपने मियाँ का ख्याल कर ले। ये बेचारा सुबह से गया है, कुछ खाया नहीं होगा बिगुल बजा के। अम्मा, आप क्यों मूड खराब कर रही हैं अपना? मैं आपके लिए बाहर से खाना ले आता हूँ, आप प्लीज आयजा को कुछ मत कहें। हाँ भाई, इनकी लाडली को कोई कुछ ना कहे, भले तकलीफ में क्यों ना हो। यह अजीब बात कही तुमने। अरे भाई, मेरे दांतों में तकलीफ है बेटा, बाहर की रोटियां नहीं खाई जाती मुझसे बिगुल बजा के। अच्छा तो आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए बिरयानी ले आता हूँ। अगर आपको बिरयानी खानी थी तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तू ज्यादा बड़बड़ के बातें नहीं कर रही, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वैसे बड़ी ही बेगैरत है अभी तू। बढ़िया भाभी, अब आ गई। हाँ फवाद, वो मैं अभी शाम को ही आई। क्या वो फरिया भाभी, आप परेशान हैं? आपके घर में सब खैरियत तो है? और शबान आंटी की तबीयत कैसी है अब? फवाद तुम परेशान मत हो, सब बिल्कुल ठीक है। तुम प्लीज इस कमरे से चले जाओ। क्या बोल रही है फरिया भाभी, आप इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही? फवाद, मैंने कहा ना कि तुम इस कमरे से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें यहाँ देखकर इशू बनाए। कोई बिला वजह का इशू बनाता है तो बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है फवाद, क्योंकि मैं किसी भी किस्म की बदनामी नहीं चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप भी दूसरों की तरह सोचने लगी? कम से कम आप तो हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को बदनुमा ना करें।
मैं किसी के भी रिश्ते को बदनुमा नहीं कर रही हूँ फवाद, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक औरत हूँ और हमारे माशरे में एक औरत को दूसरों की मर्जी से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और अपनी बहुत ही करीबी चीज़ों को दूसरों की आंखों से देखना पड़ता है। लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ भरिया भाभी, एक जीता जागता इंसान। यही तो मसला है फवाद, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमाद के दिल में कोई बुराई आए और वो हम दोनों से बदगुमान हो जाए। इसलिए फवाद प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी होगी तो हम सबके सामने भी कर सकते हैं। प्लीज़ फवाद यहाँ से चले जाओ। ठीक है भरिया भाभी, आप खुश रहें। आर्यन, पानी। शुक्रिया। आर्यन क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ मैरी, मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि पुनानों की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी को हैदराबाद में काफी दिन भी लग सकते हैं। ये तो सच में बहुत परेशानी की बात है। अब तो शबाना खाला की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं यही सोच के तो परेशान हो रहा हूँ, उधर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और यहाँ तुम्हें भी किसी की जरूरत है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूँ? अगर अम्मी यहाँ होती तो फिर कोई और बात थी, तुम घर पर अकेली होगी और अब तो ऑफिस में ही मेरा दिल नहीं लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अजीब से मसाइल में फंस गया, उधर पप्पू नानो और अम्मी की परेशानी और यहाँ तुम्हारी फिक्र। आर्यन आप मेरे लिए परेशान ना हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं अम्मी को बुला लूँगी ना। फिलहाल आप पप्पू नानो की सेहत के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक ही तो रिश्ता बचा है आप शबाना खाला का। खैर मैं तो रोज़ उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए अल्लाह से दुआ कर दो। अच्छा आप थके हुए आए हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आ गए तुम दोनों, काफी लेट नहीं हो गई? लेट तो हो गया आंटी, लेकिन बहुत अच्छी शॉपिंग हुई है। तभी तो मैंने तुम दोनों को भेजा था कि तुम लोग कोई जबरदस्त सी चीज लेकर आओ। देखे ना आंटी आप, मैं कितना खूबसूरत सेट लेकर आई हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आंटी कैसे नहीं पसंद आता, हमें अच्छे से पता था कि आपकी चॉइस क्या है, हमने इसलिए ये वाला सिलेक्ट किया। शादी के मौके पे ना हैवी ज्वेलरी और हैवी ड्रेसेस ही अच्छे लगते हैं, वरना ऐसी ड्रेसिंग करने का मौका कम मिलता है। इसीलिए मैंने ये सेट लिया आंटी। कल आपको पसंद तो आया ना? हाँ हाँ बहुत पसंद आया है। बस अब तुम एक काम करो, इसको संभाल के अपने पास रख लो और किसी को दिखाना नहीं, खास तौर पे उस फरीहा को तो बिल्कुल नहीं दिखाना। ओके आंटी बाय बाय। चलो क्या बात है, आज जल्दी सोने लेट गई? हाँ प्लीज मुझे तंग नहीं करें, आज मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ।
मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही, तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो। उठो। अगर आप ये जानते हैं कि मैं सो नहीं रही और सोने की एक्टिंग कर रही हूँ, तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों सो रही हूँ। देखो आयजा, अगर मैं उस वक्त अम्मी को इनकार कर देता तो वो और नाराज हो जाती हमसे, और तुम्हें पता है वो वैसे ही हमसे नाराज रहती हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सारिम? जब एक शख्स नाराज ही रहता है और उसने मानना ही नहीं है, तो उसे नाराज ही रहने दो। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो मेरी माँ है, उनका ख्याल मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो रखे उनका ख्याल, मेरे पास क्या लेने आए आप? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस तरह से नाराज छोड़ कर सकता हूँ? तुम जानती हो मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी नाराज नहीं देख सकता। सारिम, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में मेरा कोई मकाम नहीं है। वैसे भी जबरदस्ती के रिश्तों का यही अंजाम होता है। मुझे पता है कि मुझे आपकी मोहब्बत कभी भी नहीं मिलेगी। रुकना ही नहीं है। आयजा, आयजा मेरी बात सुन। आयजा, अब आई हो तुम? सारा, तुम्हारा इतनी रात को इस तरह इमरजेंसी में बुलवाना ना मरवाएगा मुझे एक दिन। क्या करूं मोनी, इतनी बड़ी खुशी थी कि मुझसे अकेले नहीं संभाली जा रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लूं और दोनों मिलकर खुश होंगे। वैसे तुम्हें पता है मैं इतनी रात को ऐसे छुप छुप के आई थी जैसे अपने महबूब से मिलने आ रही हूं। अब तुम्हें किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं, अब हम दोनों इस घर के मालिक हैं। और वैसे भी अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहते तुम सही रही हो। वैसे अब जल्दी बताओ, हुआ क्या, क्यों बुलाया था? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, एकदम सब परफेक्ट है मोनी। ये रही मेरे शेयर्स की फाइल। मैंने इस वक्त तुम्हें अपना फैसला सुनाने और फाइल दिखाने के लिए बुलाया। कैसा फैसला? यही कि तुम्हें प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तो मुझे क्या जरूरत है इस फवाद से शादी करने की। ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। हाँ मोनी, मैंने इस फैसले पर बहुत सोचा और आखिर में मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है, तो मैं क्यों शादी करूं उस फवाद से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस मोनी, अब यहाँ से जल्दी से निकलने की तैयारी करो। अब जब मुझे उस फवाद से शादी ही नहीं करनी, तो मैं क्यों रहूं यहाँ पर? मुझे नहीं रहना इस घर में। और तुम्हें पता है मैं तो हम्माद से शादी के बाद भी ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे जरा देखना तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया है। सारा, ये क्या है? क्या है? तुमने पढ़ा था इसमें क्या लिखा है? नहीं तो क्यों, क्या लिखा है इसमें? तो तुमने पढ़े बगैर साइन कर दिया। हाँ, लेकिन क्या है इसमें? इसमें साफ साफ लिखा है कि फवाद के हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम सिर्फ उस सूरत हो सकती है जब तुम इसमें लिखी हर एक शर्त को मानो। कैसी शर्त? यही कि फवाद के हिस्से की शेयर्स तुम सिर्फ तब क्लेम कर सकती हो जब तुम उसके साथ अपना निकाह नामा शो करो। कि क्या कह रही हो तुम? फवाद कितना चालाक निकला, शक्ल से तो कितना मासूम लगता है, लेकिन इसने मुझे बेवकूफ कैसे बना दिया? ये समझता क्या है अपने आप को? अब तुम क्या करोगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये तुम सही कह रही हो, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, सब कुछ उल्टा हो गया। नहीं मोनी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास अभी प्लान बी भी है। इस फवाद के बच्चे को तो मैं सीधा करती हूँ। लगता है कि दोनों में झगड़ा हुआ है। जब ही बेगम साहिबा उदास बुलबुल की तरह यहाँ बैठी हुई हैं,
कितना मजा आ रहा है ये सीन देखकर मुझे। वाह सलमा, तुम ही कमाल की चीज है। चलो ऐसा करती हूँ कि इस मेसनी को ना जलाती हूँ, फिर देखना कैसे जलेगी ये। आयजा हाय, उठ सरा, मुझे यहाँ लेटने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, टांगों में दर्द हो रहा है। चल शाबाश, आज मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। तौबा, चल चल के ऐसे लग रहा है जैसे मेरी टांगे साथ ही नहीं है। लड़की जरा दबा दे। ठीक है, आप यहाँ लेट जाए थोड़ी देर, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ लेटती हूँ। अरे ओ कमबख्त मारी, आए आए, ए मैं दर्दों में मर रही हूँ। तो कोई तमीज, कोई लिहाज कुछ तो होता है ना इंसान में। नहीं आंटी, आप आराम कर लेना यहाँ पर। अरे जरा टांगे दबा दे, कोई मौत तो नहीं आ जाएगी तुझे। मैं पाँव दबाऊं? हाँ तुझे ही बोल रही हूँ, और क्या, मेरी को 10-12 बहुएं हैं जिनसे कहूंगी कि मुझे दबा दें। चल दबा। जी ठीक है, मैं दबा देती हूँ। आए दबा दे, दिल पे पत्थर रखे किसी तरह दबा ले, बिगुल बजा के। आए आए, बस क्या करूँ फिर ही इतना हूँ, टांगों में तो दर्द होगा ना, क्या बताऊं तुझे। आयजा आज तो मेरे बच्चे ने कमाल कर दिया, सारे कर्जे उतार दिए। वो ऐशो इशरत करवाई कि तेरी सोच नहीं होगी, वो चीजें खिलाई कि कभी ख्वाब में तूने नहीं खाई होंगी। अरे मेरा बेटा कहीं मुझे कुल्फी खिला रहा है, कहीं मुझे चाट खिला रहा है, कहीं गोलगप्पे खिला रहा है। बोलती रह गई, अरे नहीं बेटा ना कर, पेट फर जाएगा। ना अम्मा, आज लेके आया हूँ तो खूब घुमाऊंगा। अच्छा उस वक्त तो कुछ पता नहीं चला जब सैर सपाटे करती रही, अब जब घर आई हूँ तो देख कैसे खल्लियाँ पड़ गई। अरे ओ कमबख्त मारी, तेरे हिस्से का खाना तेरी माँ मोटी चोटी खुद ही खा जाती थी, जो तेरे में दमी नहीं है। अच्छे से दबा ना जोर से, ऐसे। बिल्कुल ठीक आए। चाय। हाँ, लो। वो फवाद की शादी की तैयारियां हो गई? तकरीबन हो गई हैं। पर तुम क्यों पूछ रही हो? तो फिर सारे कार्ड भी बट चुके होंगे। अरे ये तो पार्टी का मेन प्रोसेस है ना, काफी कार्ड बट चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो आजकल मैं बांट दूंगी। लेकिन मॉम मेरे घर में कार्ड नहीं गया। उन्हें नहीं बुला रहे? लेकिन क्यों मॉम, आप उन्हें क्यों नहीं बुला रही हैं? प्लीज आप उन्हें भी कार्ड भिजवा दें। मुझे हमाद ने मना किया है और मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। लेकिन क्यों? मैंने जब तुम्हें कह दिया कि हमाद ने मना किया है और मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, तो फिर बहस का सवाल नहीं उठता ना। ठीक है, मैं हमाद से खुद ही बात कर लूँ। ठीक है, तुम उससे बात कर लो, अगर वो तुम्हें इजाजत देता है और उसको कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कार्ड दे देना।